जय माता दी। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मुकेश राजपूत जी बैठे हुए हैं, एक कंसल्टिंग एडिटर हैं नेटवर्क 18 के, हरियाणा हिमाचल ये देखते हैं। आज चलिए मौका मिला आपसे बात करने का। राणा साहब, जो एग्जिट पोल अभी तक आया है, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को 23 से 29 सीटों का, अलग अलग अगर हम एग्जिट पोल देखें, अलग अलग जो सर्वे हुए हैं, 23 से 29 सीटों का आंकड़ा बीजेपी को जम्मू कश्मीर में मिल रहा है। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, इसे कैसे देख रहे हैं आप? तेजेंद्र जी, आपने बड़ा लंबा समय जम्मू कश्मीर में काम किया है और आप बहुत अच्छे से जम्मू कश्मीर की स्थितियों को, यहाँ की टोपोग्राफी को, यहाँ के राजनीतिक विषयों को जानते हैं। ये जो एग्जिट पोल आज अलग अलग टेलीविजन चैनल्स के ऊपर दिखाया जा रहा है, अलग अलग एजेंसीज ने किया है, मेरा मानना है कि बहुत हद तक ये जो एग्जिट पोल है, 8 तारीख इसकी जो है वो हकीकत और वो सब जो रिजल्ट सामने आने पर हमें पता चलेगा कि इसमें कितना जो है कितना कमी रह गई और कितना ये सटीक है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जम्मू कश्मीर में 35 सीटें जीतने की हम उम्मीद रखते हैं। क्या कश्मीर घाटी, आपने 35 सीटें कही, तो क्या कश्मीर घाटी में भी टारगेट, कश्मीर घाटी में कितना टारगेट रख रहे हैं आप? कश्मीर घाटी में तेजेंद्र जी, हमारा मानना है कि जो बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, जो आजाद उम्मीदवार हैं, और कुछ लाइक माइंडेड जो छोटे ग्रुप्स हैं, छोटे राजनीतिक दल हैं, उनका मिला के हम मानते हैं कि 15 के करीब करीब ये एक आंकड़ा बनेगा, जो अलग अलग एग्जिट पोल्स के सर्वे में भी आ रहा है। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी प्लस, जी मैं ये पूछ रहा था, क्या बीजेपी ये इस जो बार पहली बार कश्मीर में अपना खाता खोल पाएगी? मुझे लगता है कि गुरेज की सीट और करना की दो ऐसी सीटें हैं जो एग्जिट पोल्स, अलग अलग कुछ एग्जिट पोल बता भी रहे हैं कि बीजेपी की जबरदस्त फाइट है। ये दोनों सीटें, गुरेज जो नॉर्थ कश्मीर में और गुरेज और करना की सीट है, मुझे लगता है कि इसमें हम फाइट में हैं और ये दोनों सीटें हम जीत सकते हैं। मेरे सहयोगी मुकेश जी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। अभी क्योंकि जम्मू कश्मीर के बारे में जो आप दोनों की जानकारी है, उस जानकारी को मैं, जो हमारे हरियाणा और हिमाचल के दर्शक देख रहे हैं, उन तक भी पहुंचाना चाहूँगा। अभी सोढ़ी साहब से बात हो रही थी, तो जो आप लोगों का फोकस एरिया रहा वो जम्मू रीजन रहा और कश्मीर की तरफ आपने ज़्यादा रुख नहीं किया, क्यों? नहीं, कश्मीर में भी मुकेश जी हमने जो बड़ी रैलीज की, माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी जनसभा श्रीनगर के अंदर हुई, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की डोडा किश्तवाड़ में रैलीज हुई, माननीय गृह मंत्री साहब, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब गुरेज के अंदर गए, तो पूरी कैंपेन हमने जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी की है। चूंकि जम्मू रीजन भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ माना जाता है, स्ट्रांग बेस्टर्न है, इसलिए वहां हमने यकीनन अधिक फोकस किया। लेकिन कश्मीर के अंदर भी हमने, आपने देखा होगा कि अच्छे तरीके से कैंपेन की है, और आज अगर मैं दो सीटों का नाम ले रहा हूं, गुरेज और करना सीट का, तो ये बीजेपी की हमारी एक उपलब्धि है कि कम से कम हम वहां कॉन्टेस्ट में तो आए हैं, जिस कश्मीर के अंदर कभी हमारे पास नाम के कार्यकर्ता भी नहीं होते थे, वहां आज हम सीटें कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो रैना जी, क्या बैकडोर टॉक्स बाकी पार्टीज के साथ, जिस तरह से सो कॉल्ड लाइक माइंडेड पार्टीज, देखिए 2014 में हमने देखा कि ईस्ट और वेस्ट का मेल हुआ था, बीजेपी और पीडीपी, वो लाइक माइंडेड पार्टीज नहीं थी, एक ईस्ट था एक वेस्ट था, उनका मेल हुआ, तो क्या वैसी कोट अनकोट लाइक माइंडेड पार्टी से आज भी बातचीत चल रही है? नहीं तेजेंद्र जी, ऐसी किसी से भी कोई बातचीत नहीं चल रही है। हमारा ये मानना है कि हम जो हमने अपना एनालिसिस किया है, हमें उम्मीद है कि हम 35 के करीब करीब अपनी सीटें जीतेंगे, और उसके बाद जो बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं कश्मीर में और जो लाइक माइंडेड छोटे दल हैं, उनको मिला के हम जो है बहुमत का आंकड़ा पार करेंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी। रेखा जी, एक और सवाल पूछूंगा। हमने देखा था जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था और लेजिस्लेटिव असेंबली में
आपका और इंजीनियर रशीद के बीच में जो जो कुछ हुआ था एक हिस्ट्री का हिस्सा है वो, क्या अब वो इंजीनियर रशीद के साथ दोस्ती करने का टाइम आ गया है? नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है, ना इंजीनियर रशीद, ना ये जमात, ना ये बाकी के दल जिनकी ओर आपने इशारा किया है। हमने वहां कश्मीर घाटी में चुनावों के दौरान कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिनका हमें लगता था कि ये विनेबिलिटी इनकी है और ये जीत सकते हैं और जीतने के बाद ये सरकार में हमारे सहयोगी बन सकते हैं, हमने उनको सपोर्ट किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीतेंगे और कुछ जो छोटे दलों के नेता जिनके साथ हमारा संपर्क है उनकी जीत होगी और एक ऐसी इक्वेशन बनेगी कि इनके सहयोग से हम यहां सरकार बनाएंगे। है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनेगी। जो पांच नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स पे जो बवाल मचा हुआ है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी जितनी भी पार्टीज हैं, वो कहीं ना कहीं ब्लेम कर रही हैं कि बीजेपी कुछ ऐसी गेम खेलने की साजिश रच रही है कि वो इंडिपेंडेंट, वो जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होंगे वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी के जो लाइक माइंडेड लोग हैं उन्हें वो नॉमिनेट किया जाएगा। उसे उस पर क्या कहेंगे जो एलिगेशंस लग रही हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो प्रावधान है, जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, उनको फॉलो किया जाएगा। हम तो कोई इस प्रकार का गैर संवैधानिक काम तो करेंगे नहीं, जो भी संविधान में विधित है एज पर रूल ऑफ लॉ, एज पर द रूल्स एस्टैब्लिश्ड जो रीऑर्गेनाइजेशन में है उसी के मुताबिक होगा। और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये प्रोविजन है कि जो पांच नॉमिनेटेड एमएलए होंगे वो विद वोटिंग राइट्स हैं, तो ये तो कानून में है ना, ये तो संविधान का हिस्सा है। तो वो कौन डिसाइड करेगा वो किन्हें नॉमिनेट किया जाएगा? हालांकि वो एलजी के पास है, लेकिन वो संविधान में कानून में उसकी पूरी व्याख्या की गई है। मासूम सवाल पूछ रहे हैं तेजिंदर जी, बहुत ही मासूम सवाल पूछ रहे हैं। मैं मासूमियत से इसका जवाब आपके भी आप पे दे दूं क्या? वही नॉमिनेट करेंगे एलजी साहब, और एलजी साहब वही नॉमिनेट करेंगे जो रैना साहब जिसकी तरफ इशारा करेंगे, और जिसका इशारा रैना साहब को ऊपर से करेंगे दिखा रहा है। हाँ, तो रैना साहब ये जो मुस्कुराहट है ये काफी कुछ कह रही है, लेकिन जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं वो कह रहे हैं कि आप प्रचार प्रसार बहुत करते हो दिल्ली के मीडिया के जरिए कि शांति आ गई है, लेकिन सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी बाहर नहीं निकल पाता। डल लेक के ऊपर आप इंटरव्यू तो कर लें, लेकिन घूमने जाने के लिए अभी भी जो पर्यटक हैं उनको डर लगता है वहाँ पे, तो इसमें कितनी सच्चाई आप देखते हो? नहीं, इसमें मुकेश जी आपने देखा होगा कि मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब के जो सुपुत्र हैं श्री उमर अब्दुल्ला साहब, उनका एक वीडियो डल झील का किश्ती पर अपनी पार्टी का प्रचार करते हुए और बिल्कुल जो फिल्मी अंदाज में वो कैंपेन कर रहे थे। ये स्थितियां अगर आज आई हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज दिल्ली से श्री राहुल गांधी जी कश्मीर आते हैं और लाल चौक में जाके आइसक्रीम और बिरयानी का लुत्फ उठाते हैं, तो वहां के जो हालात ठीक हुए हैं जिसका श्रेय मोदी साहब को और अमित शाह साहब को जाता है, इसलिए वो बिरयानी और आइसक्रीम खाने लाल चौक जाते हैं कि हालात ठीक है। लेकिन आज G20 का इंटरनेशनल सम्मेलन श्रीनगर में होता है, हालात ठीक हैं तो होता है। तो रहने से आज यहाँ लेजेंड्स क्रिकेट लीग्स श्रीनगर में हो रही हैं, सचिन तेंदुलकर साहब और हरभजन सिंह इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के हालात ठीक हुए तो आ रहे हैं ना। तो एक दो था जब फारूक अब्दुल्ला साहब की अपनी सरकार होती थी तो मुश्किल तरीन हालात थे, तो आज वैसी परिस्थितियां नहीं जी। उस जमाने में 10% मतदान होता था, आज 70% मतदान होता है। तो रैना साहब, दूसरी तरफ आपकी सरकार पे भी एलिगेशंस लग रही हैं उन्हीं उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कि जम्मू रीजन जहां से आप भी बिलोंग करते हैं, जो रिलेटिवली पीसफुल हुआ करता था, वहां पर अब आतंकी गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। पिछले साल के शुरुआत में हमने देखा रजौरी में, डांगरी में जो आतंकी हमला हुआ, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, कठुआ, वहां पर भी आतंकी सक्रिय हुए हैं। और उनका ये कहना है कि आप तो ये क्लेम कर रहे हैं कि कश्मीर घाटी में हमने हालात सुधार दिए, लेकिन जो हालात खराब हो रहे हैं उसका असर जम्मू में नजर आ रहा है। जी तेजेंद्र जी,
इसमें कोई दो राय नहीं कि दुश्मन देश की तरफ से इस प्रकार की कोशिशें लगातार होती हैं कि यहाँ की शांति, भाईचारा, अमन को बिगाड़ने की साजिशें होती हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो हड़तालों के कैलेंडर निकलते थे, जो पत्थरबाजी होती थी, जो बंद कॉल्स होती थी, जो बाजार सुनसान रहते थे, सड़कें वीरान रहती थी, जब कांग्रेस, एनसी और पीडीपी की सरकारें थी, वो दौर खत्म हो गया है। आज रात के 2 बजे तक अगर लाल चौक खुला रहता है, आज अनंतनाग का लाल चौक अगर आजादी का जश्न तिरंगा झंडा उठा के मनाता है, तो ये तो एक परिवर्तन है जो मोदी साहब और अमित शाह साहब की देन है। लेकिन अब आपने पीडीपी का जिक्र किया, पीडीपी आपकी सहयोगी थी और पीडीपी का ये भी कहना है कि हम तब आतंकवाद के समर्थक नहीं माने जा रहे थे बीजेपी की नजर में, जब हम उनके सहयोगी थे, जब हम पावर शेयर कर रहे थे, लेकिन जब से हम अलग हुए हैं तब से हम बीजेपी की नजर में आतंकवादी समर्थक बन गए हैं, तो ये शिफ्ट कैसे हो गया? देखिए, वो जो कभी कभी वोट बैंक की खातिर अपना रैलियों में जो जनसभाओं संबोधन करते हैं और इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, तो फिर जवाब तो देना पड़ता है, फिर उनको काउंटर तो करना पड़ेगा ना, ताकि उनको भी तो सीधे रास्ते पर रखना हम सबका काम है जी। अभी आप मतलब कुल मिलाकर लबोलबाब निकालूं तो आप ये कह रहे हैं कि 90 में से तकरीबन 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ जाएंगी और 15 कर आपने ऐसे चिन्हित कर रखे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, आपके लाइक माइंडेड हैं, वो आ जाएंगे, यानी आंकड़ा हो गया 50 का। और जैसा कि तेजिंदर जी ने बताया कि 5 जो हैं वो एलजी के हाथ में हैं, तो वो भी मैं मान के चलता हूँ आप ही के हाथ में, तो 55 का आंकड़ा आप छूते हुए नजर आ रहे हैं, एग्जिट पोल जो भी कहें। हाँ, मैं उम्मीद के साथ ये विश्वास रखता हूँ कि इसी प्रकार के आंकड़े 8 तारीख को नजर आएंगे और जब गिनती होगी तो यही परिणाम मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे आएंगे। तो क्या जम्मू इस बार जम्मू कश्मीर के लिए सीएम दे पाएगा और क्या हम अगले सीएम से बात कर रहे हैं? चलिए तेजेंद्र जी, ये तो 8 अक्टूबर गिनती के बाद एक बार आप मुझे अगर दोबारा मौका देंगे तो आपके साथ बैठ के बात करेंगे जी। ये तो हमारी तरफ से आपको एडवांस में निमंत्रण है, तो आप वादा कीजिए कि ऐसा हुआ तो आप नेटवर्क 18 पर आएंगे, पहला इंटरव्यू आप हमें देंगे, बाकी लड्डू खाने हम जम्मू अलग से आएंगे फिर, आप वादा कीजिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद, यकीनन जी। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब आपका, आप नेटवर्क 18 के साथ जुड़े और हमारे खट्टे मीठे सवालात का आपने बेबाकी से, ईमानदारी से जवाब दिया, हम यही मान के चलते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद इस एग्जिट महापोल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और नेताओं से जुड़ेंगे और जानेंगे उनकी दिल की बात। बने रहें हमारे साथ।